Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel, and this is my girls and my husband and my father mere bu. Hum char panch pumpkin patch pe gaye the. Ladkiyon ko bahut jana tha wahan aur wo kabhi gayi nahi thi. It's the first time. To main socha chalo ladkiyon ko leke jaate hain aur wahan unko thoda ghuma lete hain, phira lete hain. Unko bahut hi maza aaya. ये सब हॉलोवीन का सामान रखा लगा हुआ है इनके पास. और ये देखिए अजीब अजीब सी पम्पकिन रखे हैं. यह है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं. बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इन पर्सन, एंड क्रीपी भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, अजीब भी लगते हैं. देख सकते हैं आप कितने सारे अजीब अजीब, मुझे समझ नहीं आते लोग बनाते कैसे हैं. वाइट पम्पकिन तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. और ये लौकी देखें आप, ओह माय गॉड, द स्क्वाश वॉज ह्यूज, पूरे एक बंदे के साइज की थी. और ये पम्पकिन रखे हैं सारी तरफ. और अब मैं हम लोग जा रहे हैं फार्म की तरफ. लड़कियां बहुत खुश थीं देखने के लिए कि उनको गोट देखने थे, चिकन देखने थे, काओ भी देखने थे, लेकिन काओ वहाँ अवेलेबल नहीं थे. तो बस हम लोग गोट और चिकन और पानी वगैरह ही देख कर आ गए थे. यहाँ अब हम जब बस गोट देख रहे हैं, वो देखें एक काली छोटी सी बकरी है. बड़ी बकरियाँ नहीं होती यहाँ पर, ये छोटी वाली ही होती हैं. और बड़ी प्यारी सी लगती हैं छोटी छोटी सी. ये देखें सारी आ गई हैं खेलने बच्चों से. बच्चियाँ इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी इनको देख कर, दे वर सो एक्साइटेड. ये देखें. लास्ट ईयर भी हम गए थे फार्म, लेकिन शीजा तो अब काफ़ी छोटी थी, लेकिन अभी काफ़ी समझती है तो काफ़ी खेल रही थी. और इन दोनों को बहुत ही माशाल्लाह से मज़ा आया, हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया, मुझे, मेरे हस्बैंड को, अब को. वो देखिए शीजा का तो यहाँ से जाने का ही दिल नहीं जा रहा था, उसको तो बस कोर्ट के पास खड़े होना था. और अब हम यहाँ चिकन देखने आ गए हैं. चिकन भी बिल्कुल ही चाइनीज़ चिकन है. और ये बनीज़ हैं सारे के सारे, सो रहे थे, इतने सारे थे, बहुत ही मोटे मोटे, देख सकते हैं हम वहाँ साइड पे हैं, सब सो रहे थे. बस वो कह रहे थे, शीजा कह रहे थे कि बस मुझे छोड़ दो और मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी से जाऊँगी, हाथ नहीं पकड़ना था इन्हें. और ये देखें डक्स आ गई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं, बैठी हैं आराम से. वेदर भी काफ़ी अच्छा था उस दिन. वो देखें चिकन है ये वाइट कलर का, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा चिकन है. देखें ऊपर से नीचे पाँव तक उसके बाल हैं. मैंने पहली बार ऐसा चिकन देखा है, टीवी पे तो देखा है, रियल में कभी नहीं देखा था. और ये देखिए सारा फॉर्म है ये, यहाँ पे बच्चों के कुछ स्लाइड्स लगे हैं, एक्टिविटीज़ हैं. और ये देखें पम्पकिन फॉर्म है, और ये राइड है. और यहाँ ऊपर चढ़ के भी गोट्स बैठी थी लेकिन नज़र नहीं आई, और ये बस मैं वॉक कर रही हूँ. मुझे हमेशा से ऐसे करना था, फाइनली आई डिड दैट. और ये मेज़ है, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लेके जा रहे थे और मैं ऊपर से इनकी वीडियो बना रही थी. ये छोटा सा ब्रिज बना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं. और ये लोग मेज़ में गायब हो गए हैं. मेरी दोनों बेटियों का माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया था उस दिन, दोनों बहुत खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी. और ये बच्चों की थोड़ी सी एक्टिविटी स्लाइड है, बस टाइप की बनी हुई है. इन लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर खिलाया, फिर हम लोग आके और गए थे. ये लोग स्लाइड में बैठी, दोनों ने अपने कपड़े तो बहुत ही गंदे कर लिए थे क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश हो चुकी थी, तो कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा वेट था, मट लगी हुई थी. तो दोनों ने बहुत अपने आप को गंदा कर लिया था और स्लाइड में बैठ कर. तो आप ये देख सकते हैं और भी काफ़ी लोग आए हुए थे, सब एक्चुअली बच्चों की जगह ही होती है ताकि वो थोड़ा इन्जॉय कर लें.
और सारे लोग अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेकर आए हुए थे, 1 साल के, 2 साल के। तो मैं हमने भी अच्छा लगा कि चलो काफ़ी लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं और सब लोग देख रहे थे। और ये देखिए, ये हे राइड है, फ्लाइट है। ये अकेली ही मेरी बच्ची नीचे गई थी। पहले मैं इसको सिखा दी थी कि कैसे जाना है, उसके बाद फिर ये नीचे गई थी, उसके बाद फिर वो गई थी नीचे और अब मेरी बारी है, मैंने जाना है। वो वहीं से ऊपर आ रही थी, मैंने कहा वहाँ से ऊपर नहीं आओ, मैं आ रही हूँ। और अब मैं नीचे जा रही हूँ। That was really fun. It was so much fun. मैं 2-3 दफ़ा गई लेकिन वीडियो मैंने एक ही दफ़ा की बनाई। It was so tiring. नीचे जाके ऊपर आना बहुत ही मुश्किल था। और यहाँ पर ये लोग जस्ट खेल रहे हैं। नीचे जाके ऊपर आना ये हिल से बहुत ही हार्ड था। और मेरे हस्बैंड का फेस स्टक हो गया था। उनको लगा वो बीबी है लेकिन ही इज नॉट एनी मोर। ओह माय गॉड। और ये यहाँ पे हंटिंग हाउस बना हुआ था छोटा सा, तो बच्चों को वहाँ लेके, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है वो, तो इसको भी देख कर डर रही थी। ये देखें, ड्राउनी से सब जगह बनी हुई थी, स्केरी। वेरी बस रोली नाइस, ये देख सकते हैं आप। इसके आगे से सारे स्केलेटन रखे थे, स्पाइडर्स थे, घोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। बच्चे यहाँ से इसको भी देख के डर रहे थे। अंदर काफ़ी अंधेरा था तो मुझे लाइट ऑन करनी पड़ी थी अपने फ़ोन की ना, ताकि थोड़ा सा नज़र आ जाए, वरना तो कुछ नज़र नहीं आता अंधेरे में, बस वो ड्रामे चीज़ें ही नज़र आ रही थी। देख सकते हैं इसकी यारी सी मम्मी लेडी है, खड़ी है। स्केलेटन ही देखें कितने स्केली है, माय गॉड, इट वाज सो फ्रिकी। और ये देखें ब्राइड एंड ग्रूम एरिया, यारी कबर टाइप की बनी हुई है, इसके अंदर आप पल्दी ये मम्मी होगी। और दैट्स इट, वाज इट, दैट्स मी राइट देयर एंड दैट्स इट। आई एम जस्ट गोइंग, हम लोग जस्ट बाहर जाएंगे अब। और बस ये काफ़ी सारे पम्पकिन का पूरा एरिया बना हुआ है, जहाँ पे हर किस्म के, हर साइज के और हर किस्म के पम्पकिन रखे हैं। तो यहाँ हम थोड़ी देर खड़े होंगे और यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे बस पम्पकिन की बारिश हुई है, हर जगह पम्पकिन पम्पकिन एंड पम्पकिन ही रखे हुए थे। आप देख सकते हैं पूरा काफ़ी बड़ा बना है। ये देखिए ऑलमोस्ट 4 फीट की हो गई है मेरी छोटी सी प्रिंसेस। और ये देखिए यहाँ हर किस्म की, ये तो बहुत ही अजीब पम्पकिन थे, इतने फ्रीकी इसमें नहीं लग रहे फ़ोन में, लेकिन इन पर्सन बहुत ही अजीब लग रहे थे। उनके ऊपर स्किन जो लगी हुई थी बहुत ही, ओह माय गॉड, देख के अजीब ही कुछ भी हो रहा था। लेकिन अभी देखें, हमने तो कोई पम्पकिन बाई नहीं किए, एक छोटा सा पम्पकिन हमने ले लिया था ताकि बच्चे यहाँ से खेल लें, अदरवाइज हमने और कोई पम्पकिन नहीं लिए। ये देखिए कितने अजीब वाटरमेलन की तरह पम्पकिन है, पता नहीं क्या है, मुझे तो नाम भी नहीं पता इन चीज़ों के। और बस ये लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ बस ये लोग गाने गाने शुरू हो गए थे, और मैकडॉनल्ड हैड अ फन, EIEIO, एंड दैट्स अबाउट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगे आज का व्लॉग, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।